अगर आप भी अपनी मेहनत की कमाई बैंक में रखते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि झाबुआ में फर्जी बैंक का पर्दाफाश हुआ है, जहां ग्रामीणों को 70,000 लोन देने के नाम पर ठगा गया। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर किए ने, चाहे वह लॉ अफसर हो, चाहे वह फोरेंसिक दे हो, चाहे होर जांच दे अधिकारी होन, ते अपनी होंगे ना दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम, शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। इतना ही नहीं, बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों को भी निशाना बनाया गया। जेएस केएसबी निधि लिमिटेड करके आई थी, जो समूह लोन से नाम के लोगों को लोन देती थी। तो स्टार्टिंग में सर वो लोगों से खाता खुलवाती थी, खाता खोलने के नाम से वो 1550 रुपये प्रत्येक महिला के नाम से वसूली करती थी। इसमें प्रत्येक महिला के 1550 रुपये से खाते खोले जा रहे थे। खाते खोलने के बाद KYC कंप्लीट करवाने के बाद 70,000 रुपये का लोन देने की बात रखी गई थी। झाबुआ में फर्जीवाड़े का ये पूरा कारनामा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आपने फर्जी कॉल और OTP से ठगी का मामला तो सुना होगा, लेकिन फर्जी बैंक और उससे काम करने वाले असली बैंक कर्मियों का मामला शायद ही पहले सुना हो। दरअसल शहर में 10 दिन पहले एक बैंक खोला गया, जिसकी 3 ब्रांचें झाबुआ शहर के अलावा जोबट और थांदला में भी खोली गई थी, जहां बैंक कर्मियों ने आदिवासी लोगों को 1,550 रुपए में अकाउंट खुलवाने की बात कही, जिसके बदले में उन्हें अगले महीने 70,000 का लोन देने का झूठा वादा किया गया। यहाँ आम लोगों के साथ ही बैंक कर्मियों को भी ठगी का शिकार होना पड़ा। इस फर्जी बैंक में एरिया मैनेजर, सर्कल मैनेजर और मैनेजर समेत दूसरे कई पोस्टों पर युवाओं की भर्ती की गई थी। बैंक कर्मचारियों ने बताया कि वो दूसरी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में नौकरी कर रहे थे, लेकिन नए बैंक वालों ने उन्हें ज्यादा सैलरी का लालच देकर नौकरी पर रखा। लेकिन जब बैंक के फर्जी होने का खुलासा हुआ तो सब हैरान रह गए और तुरंत ही मामले की जानकारी पुलिस को दी। जेएस केएसबी निधि लिमिटेड करके आई थी, जो समूह लोन से नाम के लोगों को लोन देती थी। तो स्टार्टिंग में सर वो लोगों से खाता खुलवाती थी, खाता खोलने के नाम से वो 1550 रुपये प्रत्येक महिला के नाम से वसूली करती थी। वही पैसा सर वो जो यहाँ से ब्रांच जो इनके हेड ऑफिस जावा थी, जावा से थानला में इनके दो लोग जाते थे, राजेश करके जाता था और मेहुल पटेल करके, जो राजेश है सर डूंगरपुर बांसवाड़ा का बताया जा रहा है, जो वहाँ से पैसा कलेक्शन करके लाते थे सर और यहाँ आ जाते थे थानला से। मैं स्टार्टिंग में यहाँ सर फील्ड ऑफिसर के रूप में गया था, तो मेरी एजुकेशन देख के उन्होंने बोला कि आप तो अच्छा एजुकेशन है और आपको यहाँ पे ब्रांच मैनेजर बना दिया जाएगा। यूँ करके सर मेरे को ब्रांच मैनेजर की नियुक्ति करके मेरे को थानला में पहुँचा दिया गया था। और यहाँ से जो लोग इनके दो लोग वर्कर थे वो डेली आते थे और डेली कलेक्शन वहाँ का करके आ जाते थे। मेरे यहाँ मिनिमम कलेक्शन सर 4-5 लाख के समथिंग कलेक्शन चले गया है इनका सर। 16 से 17 लोग मेरे यहाँ काम कर रहे हैं फील्ड ऑफिसर के रूप में। आपको कैसे पता चला कि यह कंपनी फ्रॉड है? ये सर कल झाबा में 3 से 3:30 बजे यहाँ पे झाबा में सर किसी ने वो इन्फॉर्म किया और यहाँ से सर पुलिस वालों ने रेड डाली। उसके बाद हमको ये पता चला कि ये फ्रॉड कंपनी है सर। दो लोग यहाँ पे गिरफ्तारी में भी है सर, जो मेन सर अंकित पटेल करके अहमदाबाद का बताया जा रहा है सर, वो लोग मेन उन्हीं ने हमको सारे लोगों को इंटरव्यू कराया और सारे लोगों ने जॉब वगैरह उन्हीं ने प्रोवाइड कराए सर। स्टार्टिंग ब्रांच इनकी झाबा में थी सर, विकलांग पुनर्वास केंद्र अनाज नदी के पास में सर। GS KSB निधि लिमिटेड, हाँ, ये एक तरह से ग्रुप लोन प्रोवाइड करवा रही थी महिलाओं को। इसमें प्रत्येक महिला के 1550 रुपए से खाते खोले जा रहे थे। खाते खोलने के बाद KYC कंप्लीट करवाने के बाद 70,000 रुपए का लोन देने की बात रखी गई थी, जिसमें उस 70,000 के लोन में ही उनका बीमा राशि निर्धारित की गई थी, जिसकी राशि रखी थी 3,680 रुपये। जो शेष पैसा बच रहा था वो पैसा उन महिलाओं को लोन के तौर पे दिया जा रहा था, जिसकी मासिक किस्तें रही थी साल भर के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। अधिकतर हम लोगों से कहा गया कि आपको 2 साल के लिए ये खाता खुलवाना है। प्रत्येक महिला ने जिन्होंने फील्ड ऑफिसर के रूप में काम करना पसंद किया, उन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने रिश्तेदारों में, घर परिवारों में गरीब लोगों से पैसा इकट्ठा करके 1550 रुपये में महिलाओं के खाते खुलवाए। आज अचानक पता चलता है कि बैंक का जो मुख्यालय ऑफिस झाबुआ में हुआ करता था वो आज बंद है, और जहां पे कल किसी प्रकार की पुलिस की रेड हुई है, जहां पे इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वाले में जो प्रमुख माने जा रहे हैं अंकित पटेल और उनका एक साथी मेहुल, ये दो व्यक्ति अभी गिरफ्तार हुए हैं। इनके अतिरिक्त जो हमारी ब्रांच शाखा जोबट में आके जो कलेक्शन का काम करते थे जिल पटेल, जो अहमदाबाद के निवासी बताए जा रहे हैं, इनके अतिरिक्त सरफराज खान जो यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं,
ये डेली अपने व्हीकल से आते थे, आने के बाद दिन भर का कलेक्शन करके महिलाओं से संपर्क करके उनको लोन का झांसा देके उनसे पैसा ऐंठने के बाद शाम का डेली कलेक्शन होके वो पैसा लेके अपने साथ लेके जाते थे और महिलाओं को कहते थे कि आपको कल की तारीख में आपकी पासबुक मिल जाएगी। बकायदा उनको पासबुक दी जाती थी जिसमें इस तरह की पासबुक दी जाती थी जिसमें उनका नाम, जिस व्यक्ति जिस महिला का खाता खुल रहा है उसका नाम, उसके अतिरिक्त उनके खाते में जो 1500 रुपए हैं 1550 की एंट्री आती थी। ये सारी चीज़ें देख के प्रत्येक व्यक्ति जिसमें से हम भी भरोसे में थे, यकीन में थे कि हमारे साथ किसी प्रकार का कोई छल नहीं होगा। आज देखने में आ रहा है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनका ये कहना पड़ रहा है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, मेरे कंपनी से या टीम से किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे मोबाइल जब्त हो गए हैं। आप किस पद पे थे इस कंपनी में? हम लोग सभी फील्ड ऑफिसर थे। अच्छा, आपको कैसे इन लोगों ने इसमें काम करने के लिए? इन्होंने इस प्रकार के एक पेम्पलेट छपवाए जिसमें इन्होंने इश्तिहार दिए थे, इच्छुक व्यक्ति संपर्क करे जो भी जॉब करना चाहता है। इनमें इन्होंने सारे पद, पद के साथ साथ उम्र, उम्र के साथ साथ सैलरी, ये सारी चीजें नियुक्त की है। जिसका जैसा क्वालिफिकेशन उसको उस हिसाब से पद दिया जाता था। कितने लोगों को आपके द्वारा ज्वाइनिंग करा दी गई थी आपके द्वारा? हमारे क्षेत्र में जोबट क्षेत्र की बात करें तो तकरीबन 155 से 60 लोग ऐसे हैं जिनके खाते खुले हैं। खुद हमारे जोबट ब्रांच में 12 से 14 फील्ड ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रत्येक अपने क्षेत्र में अपने घर परिवार खलिए मोहल्ले में खाते खोले हैं और वो खाते खोलने के बाद आज उनका पैसा जील सर और सरफराज सर अपने साथ लेके फरार हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये जॉब के लिए वैकेंसीज निकाली गई थी और हमारे जोबट ब्रांच में, जैसे झापा में तो हेड ऑफिस है लेकिन जोबट में इसका ब्रांच डाला गया था, तो ब्रांच में ये हुआ कि हम, हमारे जो परिचित थे सर वो खुद सीसीबी में काम करते थे और उन्होंने कहा कि एक बैंक आई है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो हम लोग स्टाफ के रूप में वहाँ फील्ड ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं, तो आप अगर करना चाहो तो आप आ जाइए करके, है ना। तो हमने ये देखा, मैंने कहा ठीक है अच्छा है, हमने समझा उस चीज़ को, तो अपने झापा हेड ऑफिस से अपने राकेश कलेसिया जी थे जो एरिया मैनेजर थे वो देखने के लिए आते थे, विजिट करने के लिए आते थे, और एक अंकित पटेल जी करके जिनको सुनने में आ रहा कि बंद कर दिया गया है, तो वो ब्रांच की कुछ मैनेजर वगैरह बनाए गए थे जो सभी ब्रांच को देखते थे जा जाके। और हमारे यहाँ से एक ब्रांच मैनेजर तो क्या है, सर को ही बनाया था कि आप स्टाफ ऑफिसर जो आप करना चाहो वो करना करके। फ्रॉड कैसे हुआ ये बताइए? फ्रॉड ये हुआ सर कि अब हमने वैकेंसीज में भर तो दिया, खाता भी ओपन हमने करवा लिया, उन्होंने कहा कि काम करना होगा तो पहले खाता ओपन करवाना होगा, तो मैंने खाता ओपन करवा लिया 1550 से। अब काम उन्होंने ये बताया कि फील्ड ऑफिसर में आपकी नियुक्ति हुई है, अब आपको ये फॉर्म फिलअप करने हैं, इसमें आपको क्या रहेगा, टारगेट बेस पे रखा जा रहा है 110 महिला को आपको जोड़ना है जिनके 11-11 महिलाओं के ग्रुप होंगे और 10 ग्रुप आपको बनाने हैं तब आपकी सैलरी इसमें शुरू की जाएगी। तो सर मैंने ताबड़तोड़ ग्रुप बनाने का काम शुरू कर दिया कि अच्छी कंपनी है और मेरी तरह मेरे भाई बहन सब लगे थे फील्ड ऑफिसर में, मैंने जिन जिन को ये बताया कि जॉब करना हो तो यहाँ पे आ जाओ, तो वो लोग भी इसको देख के आ गए जॉब करने के लिए। और सर बस आपको किस पद पे नियुक्त करा था? मुझे सर ऐसे तो मैं फील्ड ऑफिसर के लिए ही गई थी लेकिन उन्होंने मेरा बोलने का तरीका देखा तो शायद ऐसा लगा कि ये और ऊपर काम कर सकते हैं, तो मुझे वो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर वहाँ पे बनाना चाह रहे थे। वही शिकायत के बाद पुलिस ने GH कैशबिन निधि लिमिटेड नाम के फर्जी बैंक पर छापा मार कर दो लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। नकली बैंक खोलने का कर्ता धर्ता अखिलेश नाम का व्यक्ति मूल रूप से झारखंड का बताया जा रहा है जो अभी फरार है। इसमें कल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रंगपुरा पर एक किराए के मकान पर कुछ लोगों द्वारा फर्जी बैंक का संचालन किया जा रहा है और इसमें जो लोग हैं उनसे 1550 रुपये प्रति व्यक्ति इकट्ठा किया जाकर उन्हें यह आश्वासन दिया जा रहा है कि उन्हें एक महीने बाद 70,000 रुपये का लोन दिया जाएगा और इस चक्कर में कई लोगों द्वारा यहाँ पर 1550 रुपये जमा किए गए हैं। और इसमें कल पुलिस को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई और तो पुलिस द्वारा वहाँ पहुँचकर पूरी दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें धारा 318 चार में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और अभी वर्तमान में विवेचना जारी है। बैंक के एम्प्लॉय के साथ भी फर्जीवाड़ा हुआ है मैम, आज थाने पर भी आए थे आवेदन देने। इसमें एक्चुअली में उन लोगों ने जो पहले इश्तिहार दिया उसके अकॉर्डिंग कई लोगों ने नौकरी के चक्कर में उस उन्हें ज्वाइन किया कि उन्हें महीने भर बाद अगर ये कार्य करने के उपरांत कुछ जो सैलरी दी जाएगी, तो उन लोगों के द्वारा बताया गया कि वो लोग भी वहाँ काम कर रहे थे और उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है। जिस मकान में जो चल रहा था मैम उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई क्या जब मकान मालिक पे?
इसमें अभी हम विवेचना में देख रहे हैं कि मकान मालिक द्वारा वैसे तो कोई सूचना नहीं देना पता चला है, लेकिन उनके द्वारा कोई अनुबंध किया गया था संबंधित से, इस पर अभी जांच की जा रही है। कितने लोग काम कर रहे थे उन्होंने बैंक में? इसमें वैसे तो 8 से 10 लोग काम करना बताया जा रहा है, पर अभी जब मौके पर पुलिस पहुंची तो सभी लोग फरार हो गए हैं। 2 लोग पकड़ा है जिन्हें गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संस्था के फॉर्म में हेड ऑफिस झारखंड के गोड्डा जिले के रामनगर में बताया जा रहा है। साथ ही इस ठगी के तार झारखंड से लेकर गुजरात तक फैले होने की बात सामने आई है। झाबुआ से पंजाब की हिस्ट्री के लिए जावेद खान की रिपोर्ट।